हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकु की किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कश्मीरी चिकन मसाला करी। मुंह में पानी ना आए तो बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करूँगी। तो मैंने 1 kg चिकन लिया है। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैगी मैजिक मसाला लिया है और 1 चम्मच नमक लिया है और 1 अंडा। इन सबको मैं मिला लूँगी और 1 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी। 1 घंटे के लिए ढक के हमें साइड कर देना है इसे। उसके बाद 1 घंटे के बाद एक कढ़ाई में मैंने 1.5 कप तेल लिया है, उसे मैंने खूब गर्म कर लिया और फिर मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है। उसके बाद मैं सारे मैरिनेट किए हुए चिकन फ्राई कर लूँगी दोनों साइड से। मैं यहाँ 70% ही चिकन को फ्राई कर रही हूँ क्योंकि 30% हमें पकाना भी तो है। तो उसके बाद यहाँ सारे चिकन फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसी कढ़ाई में मैंने और तेल डाल दिया, जैसे कि 2.5 कप तेल हो चुका है इसमें। तो अब मैं इसमें 6 मीडियम साइज के प्याज ले ली हूँ काट के और इसे मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। तो उसके बाद इसे गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैं इसमें 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। उसके भुनने के बाद मैं इसमें 4 मीडियम साइज के टमाटर डाल रही हूँ और इसे मैं 5 मिनट तक टमाटर डालने के साथ मैं यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है। उसके बाद मैं इसे भून लूँगी। 1-2 मिनट के बाद मैं इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दूँगी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूँगी और 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी और इन सबको 5 मिनट भूनने के बाद मैं अब इसमें 2.5 चम्मच दही डाल दूँगी और दही डालने के बाद मैं चलाते ही रहूँगी और 2-3 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लूँगी दही को, क्योंकि दही डालने के बाद फटने की संभावना रहती है। तो इसीलिए 3 मिनट के बाद मैं इसे ढक के पका लूँगी 2-3 मिनट और उसके बाद 2-3 मिनट बाद ढक्कन हटाने के बाद मैं इसे फिर से 1-2 मिनट अच्छी तरह से चलाऊँगी और जिस कटोरी से मैंने मसाला डाला था उसी कटोरी से मैंने इसमें पानी 2-4 चम्मच ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें चिकन मसाला 1 चम्मच डालूंगी, 1 चम्मच मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और इन सबको मैं 2-3 मिनट भून लूँगी अच्छी तरीके से। और फिर उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ और गरम मसाला डालने के साथ मैं इसे 5 मिनट तक पका लूँगी ढक के। उसके बाद 5 मिनट होने के बाद मैं इसमें 1/2 गिलास पानी डाल दूंगी और पानी डालने के बाद मैं इसे 2-3 मिनट अच्छी तरह से भून लूँगी और फिर मैं इसमें 1 गिलास दूध डाल दूंगी और दूध डालने के बाद मैं इसे 5 मिनट तक पका लूँगी ढक के। और 5 मिनट बाद मैं इसमें फ्राई किए हुए सारे चिकन डाल दूंगी। तो यहाँ मैंने सारे चिकन डाल दिए हैं। अब मैं इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से मिला लूँगी, भून लूँगी। उसके बाद इसे 10 से 12 मिनट ढक के पकाऊँगी लो फ्लेम पर। बीच बीच में चलाते भी रहना है क्योंकि कहीं लग भी सकती है। तो उसके बाद 12 मिनट बाद ढक्कन हटाऊंगी और गैस का फ्लेम ऑफ करूंगी और इसमें मैं ऐड करूंगी 2 चम्मच घी और फिर कस्तूरी मेथी धनिया पत्ता से आप ऊपर से सजा लो और रेडी है कश्मीरी चिकन मसाला करी। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल माई YouTube फैमिली। आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा कश्मीरी चिकन। हर तरह की तो खाते हैं, इस तरह की भी बना के देखिए। बाय बाय। यहाँ मैंने बटर से इसे सजा लिया है ऊपर से और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।